उत्पीड़न के खिलाफ की गई बैठक। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के थाना मैगलगंज प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों व महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बैनर तले आज कस्बे में पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सदीक हुसैन के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 28 नवंबर 2020 को पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा महिला उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आंदोलन से संबंधित चर्चाएं की जाएंगी। जिलाध्यक्ष डॉक्टर सदीक हुसैन ने कहा कि हमीरपुर के विधायक युवराज सिंह, जिला प्रोबेशनल अधिकारी नीरज कुमार व जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा विकलांग आरती सिंह विधि पर पर्यवेक्षक अधिकारी का नजायज उत्पीड़न किया गया तथा आरती सिंह को जबरन पद से बहिष्कृत कर दिया गया। हम लोगों के द्वारा इस संदर्भ में किए गए प्रयासों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए हमारी पार्टी आगामी 28 नवंबर को महिला अपराधों व उत्पीड़न के मुद्दे पर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आंदोलन कर सरकार को नींद से जगाने का काम करेगी। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष शिवराज सिंह राजपूत, जिला सचिव राकेश द्विवेदी, प्रदेश सचिव दिनेश गुप्ता, सुभाष चंद्र विश्वकर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष फूलदास, पंकज सर्वेश, देवी कमला आदि पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए लखीमपुर खीरी से पुनीत कुमार के रिपोर्ट। मैं मुकेश सिन्हा पास्ट में मिला मैडम, आज आपको लेकर आए हैं मैगलगंज में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी इनके पार्टियों के पार्टी जो है उसके मुद्दे क्या है, मेन कार्य क्या है और पार्टी का क्या नेतृत्व है, पार्टी क्या चाहती है। आइए हम आपसे बात कराते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर सिंह, मैं जानना चाहता हूँ सर कि आपकी पार्टी के मेन उद्देश्य क्या है, क्या नीतियों पर काम करना चाहती है पार्टी और आज मीटिंग रखी है किस पर्पज से, क्या है? ऐसा है वैसे कि ये हम लोगों ने आज एक मीटिंग रखी है आपके चैनल के माध्यम से सरकार को व समस्त जनता जनार्दन को संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस सरकार में महिला उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि अभी हमीरपुर के विधायक युवराज सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी नीरज कुमार व जिलाधिकारी हमीर श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा एक राय होकर हमारी विकलांग बहन महिला आरती सिंह, जो विधि सह परिवीक्षा अधिकारी का अधिकारी पद पे तैनात थी, उनका बहिष्कार करके और उनको वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। हम लोगों ने काफ़ी जोर ताकत लगाई लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, वहाँ के जिलाधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन वो संपर्क में नहीं आए। इस एवज में हम लोगों ने जगह जगह पर ज्ञापन दिए हैं हर जिलाधिकारी महोदय लोगों को, लेकिन कोई कार्यवाही ना होते थे। अब हम लोग राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के समस्त प्रदेशवासी कार्यकर्ता, इसमें वृद्ध विधवा विकलांग और भी हमारे साथ बहुत से लोग शामिल हैं, 28/11/2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इसमें हमारा यही एक बेहतरीन नारा बनाया गया है कि इस तरीके से कहें कि सरकार की सोई ही नींद को जगाएंगे और बहन बेटियों माताओं पर हो रहे अत्याचार को बचाएंगे, प्रदेश में वृद्ध विधवा विकलांगों को ऊपर ले जाने का हम लोगों का जो एजेंडा है उसको कामयाब बनाएंगे। इन्हीं बातों को लेकर मेन पॉइंट हमारा ये है कि महिला अत्याचार के उत्पीड़न को रोकने का, हालांकि सरकार जागी है, हमारे विकलांग पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम अभी लखनऊ में किए गए हैं उसके माध्यम से सरकार जागी है, उसने 24 घंटे में कुछ दोषियों को, लगभग 24 घंटे में 23 दोषियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं है। उनकी खुली मनसा के हिसाब से या हम लोगों के हिसाब से हमारा काम नहीं हो पा रहा है। इस अत्याचार में हमारी विकलांग महिलाएं और जनरल महिलाएं, माताएं, बहनें सभी प्रताड़ित की जाती हैं और जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, तो मैं चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि 28/11/2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार रहें, हमारे प्रदेश के लाखों की संख्या में वृद्ध विधवा विकलांग आपके आवास का घेराव करके अपनी आवाज बुलंद करें। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने लखीमपुर के किसी उच्च अधिकारी या अधिकारी को इस बारे में ज्ञापन सौंपा है? देखिए भाई साहब, अभी हम लोग नुक्कड़ मीटिंग छोटी छोटी करके हम अपने कार्यकर्ता लोग इसकी मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके पंपलेट वगैरह छपा के अभी गाँव डोर टू डोर हम लोग इसको प्रचार करेंगे, उसके बाद जब हमारा ये 10 या 12 दिन रह जाएंगे तो इसके लिए हम लोग अवगत करा देंगे।
उच्च अधिकारियों को लिखित पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से लेकर सभी को अवगत कराया जाएगा कि हमारी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी यहाँ से लगभग 1000 लोग वहाँ लखनऊ को पहुँच रहे हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुकेश सक्सेना, फास्ट न्यूज इंडिया मैगलगंज से रिपोर्टिंग इंचार्ज, अपने सहयोगी एरिया इंचार्ज अवनीश गुप्ता के साथ।